हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी सुबह के 12 सुबह के हम दोपहर के 12 बज रहे हैं और बस अभी जस्ट उठाऊँ मैं। और आज हम जाएंगे मेरे चाचू के बेबी का, आज वो है प्रोग्राम बर्थडे का, तो वो 1 साल का हो गया। तो उसके लिए अभी तो 1 से 6 बजे तक माता की चौकी है और फिर 7 बजे है केक कट और फिर उसके बाद डिनर है। तो उसमें जाएंगे हम, मैं, भाई जाएगा और बड़े पापा और बड़ी मम्मी जाएंगे। तो निकलते हैं अभी, 2-3 बजे तक निकलेंगे। तो फिलहाल तो अभी नाश्ता करूंगा, मम्मी बना रही पोहा। कब तक बन जाएगा पोहा बना रहा है, जल्दी भूख लग रही है मेरे को। और आज 5 दिन बाद नहाऊंगा मैं यार। एमी 5 दिन बाद नहाऊंगा आज मैं। हाँ यार, फील ही नहीं होता भाई, क्या करें, फील नहीं होता बिल्कुल। मैं अंदर से लगता नहीं कि इंसान गंदा है, मन साफ होना चाहिए। हाँ तो मैंने बड़े बाबूजी बड़े मम्मी को बोल दिया 3-4 बजे चलने के लिए। वो यार जल्दी कर रहे थे चलने के लिए, कह रहे 1-2 बजे निकलेंगे। तो मैं बड़े बाबूजी बोला बड़ा जी के हाँ चल ठीक है चल लेंगे। वो कह रहे लेट हो जाएंगे ना वरना की बड़ी में फिर बैठ भी नहीं पाएगी इतनी देर तक। हाँ। तो फिर मैं बोला बड़ा जी 3-4 बजे चलेंगे। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे ठीक है 3 बजे निकल लेंगे। 3 बजे 4 बजे निकलेंगे ना, 6 बजे का प्रोग्राम बता रहे हैं ना। हाँ तो क्या हो गया, बर्थडे का 6 बजे का है, 7 बजे केक कटेगा, 7 बजे कटेगा ना, 4 बजे निकलेंगे। 1 से 6 वो है क्या नाम माता की चौकी, वो फिर कुछ खाना है वो तो ठीक है, लेकिन फिर बहुत देर फ्री हो जाएगी ना जब तक, अगर 4 बजे निकलेंगे। 4 बजे ज्यादा लेट हो जाएगा फिर बड़ा जी बोलेंगे ना। अरे नहीं, अब कौन बेल बजा रहा है, ये तो बेल ने दुखी कर दिया यार, सारे दिन पूरे दिन बसती रही है। हट जा कौन है बे, कौन है? अच्छा कूड़े वाला आ गया। हाँ ले जा ले जा, ये तो पीछे देख लियो और अंदर से भी देख लियो थोड़ा पड़ा हो तो। अरे कूड़े वाला आ गया, कूड़ा तुम्हें बाहर रख दो, ये रख दो थैली बाहर रख दो, उसमें ले जाएगा। एक मिनट और, गुड़िया का भी दे दो क्या दूं? अच्छा हेलो गाइस, ये कपड़े देख के तुम मुझे जज मत करना, बस अभी अभी नहा के आऊंगा ना, 2 मिनट में तुम्हें इसी शीशे में एक मॉडल नजर आएगा, अभी 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में। और कुहू तो फिलहाल सो रही है, सो रही है ना। हाँ सो सो बेटा, सो जा, पूरे दिन सोती रहेगी, लाइट बंद कर देता हूँ जग जाएगी वरना। चलो भाई ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट पुदीनी चटनी के साथ, चलो इसको खाता हूँ और फिर जाता हूँ फटाफट नहाने के लिए। हाँ तो ये अभी एक वीडियो मैंने पब्लिक, वो क्या कहते हैं, शेड्यूल कर दिया मैंने, सुबह आ जाएगी 8 बजे के आस 8 बजे। और यहाँ पे वीर के लिए, मतलब भाई के लिए, मैं इसमें गिफ्ट पैक कर दिया, एक तो ये जैकेट है और मतलब ठंड के कपड़े हैं और इसमें इसका वो नीचे पजामा है। वैसे यार इसको बाहर निकाल नहीं सकता यार, वो पैक कर दिया मैंने क्योंकि यहाँ पूरे टेप लगा दी। ठीक है तो गाइस मैं हो गया नहा धो के तैयार, इधर लग रहा है तेरे मारे भाई बॉन्डल। तो ये टी शर्ट थी ओवर साइज टी शर्ट, कम महंगा है क्या, आ गया क्या, पता नहीं उधर से चला गया। तो ये ओवर साइज टी शर्ट है, पता नहीं मैंने पहली बार पहनी है, कैसी लग रही है मेरे को नहीं पता, कमेंट में बता देना। और इसके पीछे का दिखाना, कहाँ गया, इसके पीछे का दिखाना गाइस, क्या लग रही पोपा है। अबे देख कहाँ जूम कर रही है, जूम नहीं कर रही, मैं खुद पास खड़ी हूँ, ओके। और इसके ऊपर मैं पहनूंगा ये ब्लैक डेनिम की जैकेट, कहाँ गया मैं। लो भाई अब इसके ऊपर डेनिम जैकेट पहन लिया मैंने, तुम्हारा भाई लग रहा है एकदम खतरनाक। बस यार ये बाल सेट की बहुत दिक्कत हो गई मेरे को, तो नहीं बाल सेट नहीं हो रहे वरना तुम लोगों को तो नजर उतारनी पड़ जाती मेरी। हाँ कि ये गिफ्ट भी ले लिया है और रेडी हो गए हम भाई, अब जा रहे हैं और मम्मी भी जा रही साथ में, चलो चलते हैं गाइस। चलो चलते हैं, मैंग की गाड़ी में जाएंगे, पापा जी हमारे सेल्ट और पापा जी लेके गए हैं। चल मैंग, ओए आजा आजा आजा, बड़वा जी चलो, कहाँ गए, चलो 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 चलो। अरे काय पैर तो सरी तो तू दादा क्या, तो हवा बहुत कम थी, हवा भर ली टायरों में। पहुंच गए हम और गाड़ी यहाँ पार्क कर दी, पार्किंग जगह जाने की सामने ना, सामने हो रही है क्या नाम है पूजा, अब रोड के इस पार लगा दी यहाँ पे कोने में भाई। पकौड़ा है, पकौड़े खा रहे हैं, ये कौन सा है, ये हरे रंग का पकौड़ा, अभी क्या कहते हैं इसको, सर वाले पकौड़े को क्या कहते हैं, बोलिए पालक। हाँ ये पालक का है मेरे ख्याल से, कुछ फ्रेंच फ्राइज और Is for this Christmas to be magical.
भाई फंक्शन तो पूरा हो गया और अबे रुक जा रुक जा भाई, अंदर व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि यार अंदर ना बहुत जोर से गाने चल रहे हैं तो उसमें कॉपीराइट का इशू आ जाता, तो खाना भी खा लिया है एक मिनट यार, और अब भी जा रहे घर अभी बस 10 बज गए रात के यार, लेट हो गया ज़्यादा, अब जाने में भी कम से कम टाइम तो लगेगा 1 घंटे के आसपास। अरे चल भाई खाना तो बहुत बढ़िया था यार, खाना भी अच्छा था और केक भी अच्छा था भाई। क्या कर रही है क्यों क्या कर रहे हैं? ये प्रसाद लो अलग, मैं ये अलग कर लेना, थोड़ा थोड़ा बांट लेना। हाँ तो भाई आ गए घर और 11 बज रहे, मैंने कहा था ना 1 घंटा लगेगा, रात को भी थोड़ा बहुत जाम तो है उसकी वजह से लग गया। अगर ये देखो यार अभी आज ही खरीदी थी नई टी शर्ट, एक गिफ्ट दी थी, अब ये धब्बा लग गया इसके ऊपर, बोलो अभी वैन से हटाना पड़ेगा ये। तो भाई विकास सासू जी को बहुत बहुत थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए और इतना बढ़िया अरेंजमेंट करने के लिए, एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे वीर। बस ये कि थोड़ा सा लंबा खिंच गया कि हमने सोचा था शायद 7 बजे तक हो जाएगा, लेकिन अभी हम थोड़ी देर पहले 10 बजे वहाँ से निकले, तब भी तक चल ही रहा था क्योंकि फोटो खींच रहे थे लोग, और सबसे बड़ी बात है भाई मैं ब्लॉग बना नहीं पाया वहाँ पे क्योंकि अंदर डीजे म्यूजिक चल रहा था सारा, तो उसकी वजह से कॉपीराइट का इशू आ जाता, तो उसकी वजह से बना नहीं पाया, बस थोड़ी बहुत जो क्लिप है वो मैंने डाल दी है थोड़ी सी, और बस छोटा सा ब्लॉग था ये। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।